आज साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 1:42 से शाम 6:41 के बीच घटित हो रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर में कौतूहल देखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण लगने से प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी हर किसी को ग्रहण के दौरान संयम पूर्वक रहने की सलाह दी गई है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अपना खास ख्याल रखने की बात कही गई है। इसको लेकर आज का मॉडर्न विज्ञान भी इसे सही मानता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, आपको ये जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। गर्भवती महिलाओं के मन में ग्रहण को लेकर चिंता का भाव बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये सूर्य ग्रहण भारत में अरुणाचल के कुछ हिस्सों और कश्मीर में देखेगा, और वो भी आंशिक रूप से। ऐसे में इसका सूतक भी पूरे देश में मान्य नहीं है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण से भय पालने की जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है और सूर्य की किरणों में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। जबकि वैज्ञानिक कारण यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणें डीएनए तक को प्रभावित करती हैं। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रतिकूल असर होता है, इससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इसलिए प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें गर्भ पर ना पड़े। प्राचीन मान्यताएं ये भी कहती हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों जैसे कैंची, चाकू, सिलाई कटाई के प्रयोग से बचना चाहिए। दरअसल ऐसी धारणा है कि इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। वहीं हिंदू विद्वानों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने ईष्ट देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य चालीसा का पाठ करना भी इस समय अच्छा माना जाता है, इससे गर्भ में पल रहे शिशु को सकारात्मकता मिलती है। मान्यता है कि इस दौरान गर्भवती महिला को कुश के आसन पर बैठना या लेटना चाहिए। कुश को नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला माना जाता है। ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रहण के खत्म होने तक गर्भवती महिलाओं को तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध और फल का सेवन करने में कोई दिक्कत नहीं है।